गुड इवनिंग एवरीवन, हाय अमृतन सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए। कल फाइनली छुट्टी, दशहरा कल। भैया जब छुट्टी मिलती ना तो जिस ब्रांच में हैवी ब्रांच होती है उस बंदों को पूछा करो कि कैसा रिलैक्सेशन मिलता है। आज एक बंदी, एक औरत थी, मतलब बड़ी बूढ़ी माँ थी, तो जीरो बैलेंस अकाउंट थी। तो मैं भैया बोला 10,000 से ऊपर मिलेगा नहीं। बोली हमारा पैसा है, हमें तुम कैसे नहीं दे सकते, तुम क्या हमारे जी माई बाप हो क्या? मैंने कहा अम्मा जी आपका जी माई बाप हूँ या आपका पैसा, मैं 10 से ऊपर दूंगा नहीं। बाकी बात बोले मैं देखती हूँ, मेरे को मेरा पैसा कौन नहीं देगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रखूंगी। मैंने कहा माता जी आपको जो सही लगता है वो करो, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, मुझे और कस्टमर। वो बोल रही तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। मैंने हाथ जोड़ दिए, ऐसे कर दिया अगर जाओ वहां पे। तो लिटरली ऐसे नमूने कस्टमर मैंने बहुत देख चुका हूँ। भैया मैं जिस ब्रांच में हूँ वहां तो मतलब आए दिन गाली गलोच, मारा पीटी, ऐसे धमकी देना तो मतलब एक कॉमन कैजुअल चीज हो चुका है। खैर कोई नहीं, IBPS PO प्री के लिए भैया लोग बड़े मैसेज करते, भैया वीडियो बना दो वीडियो बना दो। देखो भाई, और भाई वो लोग तो स्क्रीनशॉट भेजते कि भाई मेरे को इतना स्कोर आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। भाई तुम लोग मॉक तो दे रहे हो, हम तो सारे वो वेल रहे जो मॉक भी नहीं दे रहे। तो देखो भाई मैं मॉक टेस्ट कैसा, भाई मेरे पास इतना समय नहीं पड़ता कि मैं बैंक की जॉब के बाद मॉक टेस्ट दूं। और अभी कैसा मेरा JIB की एग्जाम भी है, नवंबर में JIB का फॉर्म भरा है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मैं मॉक टेस्ट सिर्फ दे रहा हूँ। और भाई आप लोग को पता ही है भाई मैं किसकी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो बोलने की होती है। मैं सिर्फ कुछ चीजें बोलूंगा, शायद कुछ चीजें जो आपको हेल्प कर जाए अगले 10-12 दिन में, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड आउट हुआ नहीं है। देखो भैया सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैथ्स बहुत ट्रिकी था, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट, स्पेशली DI साला, उसके तो अपने अप्रॉक्स के क्वेश्चन भी काफी कैलकुलेटिव थे। तो मेरे को लगता है भैया यदि आप अगले 12 दिन में 25 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन, 25 क्वेश्चन नंबर सीरीज, मिसिंग रॉन्ग दोनों अलग अलग, 25 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब 5 सेट, और भैया 25 अप्रॉक्स के क्वेश्चन भी कर गए ना भैया, आप आराम से 25 ले आओगे 35 में से, जो कि IBPS PO के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कोर है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इंग्लिश को कैसे करना। अबे इंग्लिश ऐसी थोड़ा चीज है कि जो तुम एक दिन में पढ़ ली रट्टा वाली हो गए। इंग्लिश के लिए आप मॉक टेस्ट दो, आप वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस करो, आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और RC1 तो लगा लिया करो, थोड़ा रीडिंग कर लिया करो, क्या जाता अपने बाप। अब भैया बहुत लोग पूछते इन सबको प्रैक्टिस कहाँ से करना, ये प्रैक्टिस तो आपको पता ही है गाइडली का बंडल PDF कोर्स। अब बहुत लोग बोलते हैं हम गाइडली के ब्रांड एम्बेसडर है, अब भैया ब्रांड एम्बेसडर समझ के पढ़ लो उससे। तो भाई मेरा देखो सिंपल है, जो चीज अच्छी है मैं उसी के पीछे आता हूँ। अब गाइडली का बंडल PDF खुद मुझे बताएंगे कि बहुत लोग उसको लेते हैं, बहुत लोग उससे पढ़ते हैं, उसका कंटेंट इतना भारी होता है भाई कि अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको एक्चुअल पेपर काफी इजी लगेगा। उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स सब मिलता, प्लस जो उसका प्लैटिनम कोर्स है उसमें तो भैया आपको क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर के पूरे PDF कोर्स मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे कि लास्ट ईयर IBPS PO कैसा पेपर आया था प्री और मेंस, इस साल का मेमो मॉक टेस्ट पूरी फ्री है, इंग्लिश का कोर्स फ्री है, उसमें आप क्या बच्चों की जान लोगे तो इतना कोर्स सब कुछ फ्री करने के बाद। भैया काफी सस्ता है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा कूपन कोड ऐड जरूर करना, भैया डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। अब बहुत पूछते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग तो भैया ऐसा है कि लोगों को लगता है कि उनकी जागीर है रीजनिंग में, और फिर जब वो पेपर में बोलते सर रीजनिंग बहुत ट्रिकी आया था, मैं बोलता हूँ भाई जागीर भी है और ट्रिकी भी है, मतलब ये तो वो बात हो गई कि साला हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा होता, सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है। IBPS PO का पेपर है कम से कम 23 मार्क की पजल्स आने वाली है, सिटिंग में पजल जो बोलना है बोल लो, कम से कम 23 मार्क, मिनिमम 23 मार्क, मैक्सिमम 26 तक जा सकता है। तो यदि मॉरल ऑफ स्टोरी है इसकी प्रैक्टिस कर ली तो भाई आप आराम से रीजनिंग को फाड़ रहे हो, मतलब फाड़ रहे हो गन्ना गरम। और भैया प्रैक्टिस के बता चुका हूँ गाइडली, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बच्चे भैया क्या सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, वो तो भैया वैसे ही इतना पढ़ चुके हो, RRB PO मेंस, RRB क्लर्क प्री, फिर मेंस, अभी IBPS क्लर्क प्री दे के आए तो मेंस भी पढ़ रहे हो, तो भैया प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, थोड़ा और इसको शेप दो। और शेप देने के लिए भैया बता चुका हूँ आपको मैं क्या क्या करना। भैया देखो लास्ट ईयर अपन ने भी दिया था, प्री क्वालिफाई किए मगर मेंस पे जाके बंबू गाड़ के आ गए अपना,
तो इस साल मेहनत कर रहे हैं, जेआरबी भी पढ़ रहे हैं, बाकी देखते क्या होता है। देखो भैया वीडियो थोड़ा सा अपनी भाषा अलग है, बहुत लोग बोलते हैं लोफर हो। देखो लोफर होना गुंडा होना अच्छी बात है भैया, मैकेनिकल इंजीनियर तो भैया यही क्या बोलते निशान है। तो भैया आई लव इट, मुंबई में रहता हूँ, मेरी ब्रांच ऐसी है जहाँ मुझे ये सब बोलना पड़ता है, तो जिसको जैसा लगे, मगर हाँ दिल से अच्छा हूँ, हेल्प करता हूँ भाई, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो सही लगे तो जम के लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो, बाकी मिलते रहते, जय श्री राम, राम राम।